हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। आपको पता है जो बजरंग पूनिया है बहुत ही बड़े रेसलर हैं, उन्होंने अभी 65 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अभी जो गोल्ड मेडल जीता है वो कहाँ जीता है? वो जीता है टबलीसी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में। ऐसे ही बात करूँ मैं सौरभ वर्मा जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने भी हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसकी हर चीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ इसका टूर्नामेंट हुआ था, कौन सी कैटेगरी में किस प्लेयर ने किस फील्ड के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तीनों चीजें आपको कवर करके स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद करना चाहिए। ऐसे में बताऊँ आपको थोड़ा पॉलिटिकल से रिलेटेड बात, कि आपको पता है राजदीप सरदेसाई जो कि बहुत ही बड़े इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इन्हें अभी प्रेम भाटिया अवार्ड दिया है फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। जो पॉलिटिकल से रिलेटेड, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग करते थे उसके लिए उनको प्रेम भाटिया अवार्ड दिया गया है। इंडिया का पहला अंडर वाटर जो ट्रेन प्रोजेक्ट है वो कौन सी सिटी में लॉन्च होने वाला है? तो वो लॉन्च होने वाला है कोलकाता सिटी के अंदर। ऐसे ई वर्जन जो न्यूज़पेपर है, अभी ये ई वर्जन न्यूज़पेपर क्या चीज़ है? ये वो न्यूज़पेपर है जो कि जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि कहाँ वैकेंसी खुली है, कहाँ भर्ती होने वाली है, कौन सी जगह कहाँ कौन कौन सी फील्ड में निकली है। तो उससे रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस न्यूज़पेपर में अवेलेबल होगी। और इस जो न्यूज़पेपर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोजगार समाचार। जो नाथ जोशी हैं उन्होंने अभी मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी टाइटल जीता है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सारी सारी की चीज़ें आपको हमेशा पढ़ने को मिल जाएंगी। हाँ भाई, इस फील्ड में ये हो रहा है या ये सब चीज़ें हो रही हैं या मेडल जीता है, इसे अवार्ड मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। ऐसे अभी बुक रिलीज हुई है जिस बुक का नाम है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। आपको पता है बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं श्रीदेवी। तो उन पर जो बुक लिखी गई है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है सत्यार्थ नायक ने। तो कोई भी सेलिब्रिटी हुआ या कोई भी हाई प्रोफाइल कोई पर्सन है जो कि कोई काम कर चुका है या वो बहुत ही एक्सपीरियंस और वेल नोन जो पर्सन है, अगर उस पर कोई बुक लिखी जाती है या कोई ऑटोबायोग्राफी या कुछ भी लिखा जाता है तो वो सारी चीज़ें जनरल नॉलेज के अंदर आ जाती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे हम बात करते हैं कि जो स्टडी ऑफ स्लीप है उसको हम क्या बोलते हैं? जो स्टडी करते हैं स्लीप की उसको बोलते हैं हाइप्नोलॉजी। ऐसी स्टडी ऑफ स्कल को उसको बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। लास्ट जो है वो है एटमोसफेयर की स्टडी ऑफ एटमोसफेयर को क्या बोलते हैं? बोलते हैं एरियोलॉजी। तो इस तरीके से आपको ये सारी के सारी जितनी भी स्टडीज़ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। अब बात करते हैं हम वोकेबलरी की। जैसे कि पहला वर्ड है इंक्यूजिटिव। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिज्ञासु या क्यूरियस। किसी चीज़ को हमेशा सीखने की जो ललक रहती है या हमेशा क्यूरियस रहता है चीज़ों को जानने के लिए, जिज्ञासु रहता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंक्यूजिटिव। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंड। अब रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेप्रीमेंड। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।